नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर और बेलहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। सोमवार को मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मामूली विवाद में मेडिकल छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग। सोशल मीडिया पर छेड़खानी का वीडियो वायरल करने वाला 4 आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, बांका एसपी ने दी जानकारी। चहलुम को लेकर सिया समुदाय के लोगों ने निकाला मातमी जुलूस, या हुसैन के नारों से गूंजता रहा साजंगी करवाला मैदान। और अस्थायी घाटों में होगा मां काली प्रतिमा का विसर्जन, युद्ध स्तर पर चल रहा है तालाब का निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को राज्य के 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदान होगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में मतदान कर्मियों के बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में ईवीएम वितरण किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती ने शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने का निर्देश कर्मियों को दिया। डीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत की सूचना अविलंब दे। उन्होंने मतदान के बाद सभी कर्मियों को ईवीएम रूम में जमा करने का निर्देश दिया। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबौर और नाथनगर इलाके के गंगा नदी में वोट के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, निर्वाचन पदाधिकारी राजेश झा राजा, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि नाथनगर विधानसभा में 3,16,000 मतदाताओं के लिए 307 बूथ बनाया गया है। सोमवार को 14 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगा। आशा करता हूं कि कल हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। बेलहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बांका जिला प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव को लेकर रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी ने इंडोर स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएम एवं एसपी ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को शांतिपूर्ण चुनाव कराने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि बेलहर विधानसभा उपचुनाव में सभी संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों के साथ बीएमपी एवं जिला पुलिस तैनात रहेंगे। हम आपको बता दें कि सोमवार को होने वाले मतदान में 3,03,000 मतदाता 4 प्रत्याशियों के भाग्य का। बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज के समीप शनिवार की रात मेडिकल छात्र और स्थानीय दूध बेचने वाले के साथ हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से पथराव होने लगा और देखते ही देखते स्थानीय लोगों ने 9 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को माहौल शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं घटना के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मौके की नजाकत को देखते हुए एसएसपी आशीष भारती घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल शनिवार की रात सुधा डायरी के समीप दूध लेकर जा रहे गौतम यादव की बाइक में मेडिकल छात्रों का बाइक टकरा गया, जिसमें सारा दूध जमीन पर बह गया। जिसके बाद गौतम यादव ने मेडिकल छात्रों को दूध का हर्जाना देने की बात कही, लेकिन मेडिकल के छात्रों ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और दूध वाले की जमकर पिटाई करने लगे। गौतम यादव की पिटाई होता देख स्थानीय लोगों ने मेडिकल छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल छात्रों पर कार्रवाई करने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। छेड़खानी की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि पूजा करने मंदिर जा रही महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। एसपी ने कहा कि वीडियो की सत्यता की जाँच के बाद अमरपुर थाना में 5 आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज किया गया था। एसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष जाँच टीम का गठन किया गया था, जिसमें 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। 18 तारीख को, इसी 18 अक्टूबर को संध्या में लोग सूचना एक वीडियो प्राप्त हुआ, उसमें एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के साथ जा रही महिला के साथ 4-5 लड़कों के द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया था। ये वीडियो किसी के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया था और वो हम लोगों को प्राप्त हुआ। हमने
तुरंत उसकी जांच के लिए, चूँकि घटनास्थल स्पष्ट नहीं था, हम लोगों ने कई जिला कई थानों को दिया। जांच के क्रम में पता चला कि ये घटनास्थल अमरपुर थाना क्षेत्र में कहीं है। तब तक हम लोग इसकी पीड़िता को या उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पा रहे थे। तत्काल हम लोगों ने थाना प्रभारी अमरपुर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और एक विशेष टीम का गठन किया गया। उसके बाद लगातार जांच सत्यापन करते हुए लोगों को पता चला कि ये अमरपुर थाना क्षेत्र का पतवे एक जगह है, वहाँ की एक घटना है, वहाँ का घटनास्थल है। फिर हम लोगों ने अपने जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसका सहारा लिया, आसूचना संकलन करते हुए हम लोगों ने उसमें शामिल चार लड़कों को घटना जानकारी के 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जो उसमें शामिल है, जिसने वीडियो बनाया, और उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है जिससे वीडियो बनाया गया था। इसमें हम लोगों ने IPC की धारा के साथ साथ IT Act की धारा के अंतर्गत प्राथमिकी हम लोगों ने दर्ज किया है, और अग्रतर अनुसंधान इसी क्रम में, तो इसी जांच के क्रम में हम लोगों ने उस महिला और उस पुरुष की भी पहचान कर ली। उन लोगों का भी बयान लिया गया, वो अपने आप को देवर भाभी बताते हुए पूजा करने जाने की बात बता रहे थे। और ये अनुसंधान हम लोग का चल रहा है, उनका बयान भी कराया जाएगा माननीय न्यायालय में, और हम लोग एक सप्ताह के अंदर फॉरेंसिक जांच के उपरांत कांड में प्राथमिकी दर्ज कर स्पीडी ट्रायल। चेहल्लुम के अवसर पर भागलपुर अस्तानंदपुर स्थित इमामबाड़ा से अलम का जुलूस निकाला गया। इसके पूर्व नया बाजार इमामबाड़ा से सिया समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकाला, जो विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए मुस्लिम हाई स्कूल के समीप पहुंचा। इसके बाद अस्तानंदपुर छोटा इमामबाड़ा परिसर से निकाला गया जुलूस और नया बाजार के जुलूस का मिलन मुस्लिम हाई स्कूल के पीछे संपार के समीप हुआ। वहीं मातमी जुलूस में शामिल शिया समुदाय के लोगों ने कलेजा पीटकर मातम किया और करबला की घटना में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को याद किया। इसके बाद जुलूस पंखा टोली चौक होते हुए लल्लो मियाँ साहब के इमामबाड़ा पर गया, जहाँ लोगों ने अपने गम का इजहार किया। इसके बाद मौलाना सैयद तासिर हुसैन ने मजलिस में अपनी तकरीर पेश की और मुहर्रम की घटना को ऐतिहासिक बताया। मौलाना सैयद तासिर ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की सीख देता है। वहीं भागलपुर सिया वक्फ कमेटी के सचिव सैयद जीजा हुसैन ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद रखने के लिए शिया समुदाय के लोग हर साल मातमी जुलूस निकाल कर जंजीरी मातम करते हैं। इसके पूर्व लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए नोहा मर्सिया और फातिया पढ़ा। इसके साथ ही देर शाम साजंगी में शिया समुदाय का पहलाम संपन्न हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं चेहल्लुम के मौके पर निकाली गई जुलूस की कुछ झलकियां। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रतिमाओं का विसर्जन अब नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे अस्थायी तालाबों में किया जाएगा। रविवार को मुसहरी घाट पर 100 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े तालाब के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। उपनगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव और सिटी मैनेजर रवीश चंद्र वर्मा की मौजूदगी में JCB से खुदाई की जा रही है। PRO सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि मुसहरी घाट की तरह बूढ़ानाथ एवं बरारी पुल घाट पर अस्थायी तालाब बनाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को माँ काली की प्रतिमा का विसर्जन अस्थायी तालाब में होगा, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है। ये NGT एक सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल न्यायाधिकरण है, जिनके आदेश है जो गंगा जैसी सभी नदियों सहायक नदियों वगैरह को प्रदूषित नहीं किया जाए। सरकार का स्पष्ट निरीक्षण है जो मूर्ति विसर्जन नदी किनारे गड्ढा खोद के पानी डाल के उसमें लाइनिंग प्लास्टिक का करके उसमें विसर्जन किया जाए, ये स्पष्ट निरीक्षण है उसी के गड्ढा खोदा जा रहा है। कितना गड्ढा किया जा रहा है सर? गड्ढा भी 3 जगह किया जाएगा नगर निगम क्षेत्र में, एक ये आप मुसहरी घाट, एक बूढ़ानाथ घाट और
फूल घाट। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर से राजस्व कचहरी हटाए जाने के खिलाफ रविवार को स्थानीय ग्रामीणों ने आम सभा कर विरोध जताया। आम सभा की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह ने किया, वहीं मंच का संचालन प्रदीप कुमार ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बीते चार दशकों से सनोखर में राजस्व कचहरी चल रहा था, लेकिन सनहौला सीओ एवं राजस्व कर्मचारी की मिली भगत से राजस्व कार्यालय को अरार हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके कारण ग्रामीणों को दाखिल खारिज करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ेगी। मुखिया शिव कुमार शाह ने कहा कि सनोखर बाजार सभी गांव के बीच में पड़ता है, सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से राजस्व कार्यालय हटाना गलत है। ग्रामीणों ने कहा कि 15 दिनों के भीतर राजस्व कार्यालय गांव में नहीं आया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907567 6375423154 6200122 97 बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चहलुम को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, जगह जगह दंडाधिकारी के साथ पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। सिटी DSP राजवंश सिंह समेत कई थाने की पुलिस या समुदाय द्वारा निकाले गए मातमी जुलूस के साथ दिखी। जुलूस को लेकर कई स्थानों पर यातायात में भी परिवर्तन किया गया था। वहीं मुस्लिम हाई स्कूल, पंखा टोली चौक और साजंगी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़भाड़ वाले इलाके और चौक चौराहों पर महिला पुलिस बलों के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहीं सिया यूथ कमेटी के सचिव सैयद रागीव हसन ने कहा कि चहलुम को लेकर भागलपुर पुलिस की सक्रियता सराहनीय है। प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिस प्रकार मुहर्रम में सपोर्ट मिल रहा था, DSP साहब नेतृत्व कर रहे थे, SP साहब भी उसका मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस टाइप का चहलुम में सपोर्ट है। और उम्मीद करते हैं कि जैसे दुर्गा पूजा और बाकी सब त्यौहार भावना के साथ गुजरा है, उसी तरह से चहलुम भी गुजरेगा, और इसके लिए प्रशासन का मैं बहुत बहुत करता। काली पूजा शांति और सद्भाव के साथ संपन्न कराने को लेकर भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित सुपर मार्केट में रविवार को श्री श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की ओर से कार्यालय खोला गया। कार्यालय का उद्घाटन काली महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह, महामंत्री चिरंजीवी कुमार धूरी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, संरक्षण भगवान यादव और समिति के सदस्यों ने किया। इसके पूर्व डॉक्टर आनंद मिश्रा, गौतम सुमन, प्रोफेसर मनोज सिंह समेत कई सदस्यों ने पूजा विधि कर कार्यालय में प्रवेश किया। वहीं माँ काली की पूजा को लेकर महासमिति के सुरविंद्र भट्ट ने बताया कि 1954 से स्थापित काली पूजा महासमिति हर साल सभी के सहयोग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में विसर्जन शोभा यात्रा निकालती है। वहीं अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने कहा कि कार्यालय में 24 घंटे समिति के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही सभी मेयरपतियों को कार्यालय से पंपलेट, बैनर, पोस्टर, बैच और परमिट उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं महामंत्री चिरंजीवी यादव ने जिला प्रशासन से प्रतिमा विसर्जन को लेकर 100 समय अस्थायी तालाब उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही धूरी यादव ने काली पूजा के दौरान आम जनों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की बात कही। मौके पर कमल जायसवाल, लक्ष्मी नारायण, दिलीप मंडल, ज्योतिष मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय काली पूजा महासमिति कार्यालय का आज उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स मुंती चक में, और इसी कार्यालय से पूरे भागलपुर में जो काली की प्रतिमा बैठती है, सभी जो स्थानीय समिति हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं और अपनी समस्या को यहाँ पर रखते हैं। ये कार्यालय आज से लगातार
काली विसर्जन तक लगातार ये खुली रहेगी। यहाँ हमारे पदाधिकारी रहेंगे, हम लोग रहेंगे। चारों क्षेत्र से हम लोग भी जब भ्रमण करके आते हैं इसी कार्यालय में आते हैं। स्थानीय जो भी समस्या है, जो लोग आएंगे इसी कार्यालय में आएंगे। प्रशासन के लोगों को भी अगर कुछ अपनी बात को रखना होगा, बुलाना होगा, इसी कार्यालय से हमारा महासमिति संचालन होता है। नाम बताइए। मैं ब्रजेश शाह, अध्यक्ष केंद्रीय काली पूजा महा। संदेश पर्यावरण को लेकर के दे रहे हैं इस बार? देखिए, पर्यावरण तो पूरे देश के लिए है, हम उससे कोई अछूता नहीं है। और महासमिति पर्यावरण पे इसलिए ध्यान रखा है कि पर्यावरण को हमको बचाना है, जब उसमें हमको रहना है। और ये आस्था का पर्व, इतनी 65 साल 66 साल की ये आपका समिति, 2 साल पुराना पूजा होते आ रहा है, 65 साल से ये कमेटी गठन हुई है। तो इस पर जो हम लोग पर्यावरण पे चर्चा हो रहा था, उस पर हम लोग ध्यान में रखे हैं और समिति इस पर निर्णय लिए है कि हम वैसा कोई रंग, वैसा कोई कलर नहीं चढ़ाएंगे जिससे कि जल दूषित हो, जीव जंतु पे असर पड़े। और वो मेरी समिति कर रही है। उसके बाद भी प्रशासन का जो दिशा निर्देश चल रहा है, उस पर हम लोग का स्ट्रेट फॉरवर्ड महासमिति का लोकल समिति से बात करके है कि हम लोग सब एक जगह जाके विसर्जन करेंगे। और आप उसमें यदि हमको सुविधा कर देते हैं तो मैं गंगा जल में ही विसर्जन करूंगा, लेकिन आप उसका खुदाई कर दें, आप उसका तालाब बना दें और गंगा जल उसमें दे दें, उस पर हम लोग विसर्जन करेंगे। और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर उचित सही व्यवस्था मिल जाता है तो पर्यावरण को नज़र रखते हुए सब इस काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। भारतीय गांधी अध्ययन समिति का 42वां वार्षिक अधिवेशन 20 नवंबर को आयोजित होगा। इसको लेकर रविवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी विचार विभाग के हेड डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि वार्षिक अधिवेशन में देश भर के गांधीवादी विचारक, चिंतक और लेखक जुड़ेंगे। वहीं आयोजन सचिव डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि 42वां वार्षिक अधिवेशन में कई सामाजिक संगठन के लोग शामिल होंगे। मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर रामजी सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्ता समेत कई शिक्षक और समाज से भी मौजूद थे। अखिल भारतीय गांधी अध्ययन समिति राष्ट्रीय स्तर पर एक बना हुआ संगठन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ISGS भी बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी फॉर गांधीयन स्टडीज। इसमें देश भर में जो लोग गांधी को पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। इसका 42वां वार्षिक अधिवेशन भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है और गांधी विचार विभाग उसको एक तरह से संयोजित कर रहा है। इसमें देश भर से अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 1200 लोगों को निमंत्रण भेजा है, वो आ रहे हैं। पिछले 40 वर्षों में गांधी विचार विभाग से लगभग 2000 विद्यार्थियों ने MA की डिग्री प्राप्त की है, 150 से ज़्यादा लोगों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। उन तमाम लोगों से भी संपर्क साधा जा रहा है और हम लोग चाहेंगे कि उद्घाटन के दिन जो बहुदेशीय प्रसाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुदेशीय प्रसाद में होगा, उसकी एक बड़ी भागीदारी हो। इस बार चर्चा का विषय है गांधी का स्त्री विमर्श, स्त्रियों के सवाल पर गांधी की क्या राय थी, यही मुख्य विषय है अकादमिक चर्चा। भागलपुर हसडिया मुख्य मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद हाईवा चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मृतक व्यक्ति की पहचान बौसी तेतरिया निवासी 25 वर्षीय पंकज यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक पंकज यादव अपने भाई के ससुर श्याम यादव के साथ मोटरसाइकिल से अपने गाँव जा रहा था। इसी दौरान वह ओरिया गाँव के समीप सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर पानी पीने जा रहा था, तब
तभी पीछे से आ रही हाइवा ने कुचल दिया। मृतक पंकज हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता था और एक वर्ष बाद अपने गांव लौटा था। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल श्याम यादव को इलाज के लिए बाराहाट अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बाराहाट पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भागलपुर में पर्व त्यौहार के मौके पर शांति समिति और सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पिछले कई साल से सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, काली पूजा महासमिति और शांति समिति के पदाधिकारी और सदस्य काफी सक्रिय रहे। वहीं रविवार को जब शिया समुदाय के लोग मातमी जुलूस निकाल रहे थे, तभी काली पूजा महासमिति, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों ने एक बार फिर से सद्भाव और सौहार्द की मिसाल पेश की। केंद्रीय काली पूजा महासमिति के महामंत्री चिरंजीवी कुमार धूरी और शांति समिति के सदस्य सबसे शिया समुदाय के लोगों से मिले और चहलुम शांतिपूर्ण संपन्न कराने का भरोसा दिलाया। मुहर्रम को लेकर शांति के दूतों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। चहलुम के अवसर पे भागलपुर एक ऐसा मेरा शहर है कि चाहे वो चहलुम हो सिन्नी समुदाय का, चाहे वो मेरा पलहाम हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, आपको यही ये नजर आएगा कि सब भाई मिल मिल के करता है। कहीं आपको नहीं लगेगा अंतर कि ये अलग और वो अलग। हम लोग बैठक भी करते हैं तो हम लोग सब धर्म का एक लेके एक चीज़ जानने को मिला जो पहले जानकारी नहीं थी कि छोटकी मुहर्रम में शिया भाई का पहले एक दिन निकलता है और सुन्नी भाई का दूसरे दिन। बहुत अच्छा लगता है और यही अपील है कि शांति और सद्भाव के साथ भागलपुर में ये सारे पर्व, सारे फेस्टिवल बीते और वैसा बीत भी रहा है। जस्ट कल फिर छोटकी मुहर्रम का पलहम होगा, अखाड़ा निकलेगा और 27 को काली पूजा, 28, 29, 30 भसान, फिर छठ पूजा, अंत में 4 तारीख को गोपाष्टमी। ये भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा कहीं से भी। सबसे बड़ी ये है कि अब कल देखिए जिला प्रशासन का सबसे बड़ी बात ये रही है, मैं शुरू से देखता हूँ मुहर्रम में भी यही इन्वॉल्व रहा है और यहाँ तक कि दुर्गा पूजा में भी DM साहब, SP साहब और DSP साहब और SDO साहब और शांति समिति के सारे लोगों ने मिलकर एक लेंस सबको पार करवाया और बहुत शांतिमय से प्रोग्राम हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि भागलपुर पहले 1989 के दंगे में इस तरह ग्रस्त था, उसके बावजूद भी आज इतना शांति से हर तरह का त्यौहार मनाया जा रहा है और उसे पता नहीं चल रहा है कि ये वही भागलपुर था जो 89 में हुआ था। ये हम लोग से बहुत बड़ी भूल हुई थी, चूक हुई थी, समझ में न आया। आज प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा है कि आज सभी को मुहर्रम हो चाहे दुर्गा पूजा हो, आने वाला जो काली पूजा हो उसका भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस पहरा कर रही है और शांति समिति के लोग भी चप्पे चप्पे पर हर जगह अपना शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं। आज जो है भागलपुर में तो ऐतिहासिक है। सबसे बड़ी बात है कि जब बड़ी मुहर्रम होती है तो शिया समुदाय का एक दिन बाद होता और सुन्नी का पहले होता है, लेकिन चहलुम में एक दिन पहले शिया बंधु का हो रहा है और शिया समुदाय का कल होगा, यानी एक दिन के बाद। ये अपने आप में एक परंपरा है, ये आपको किसी ज़िला में नहीं मिलेगा। ये भागलपुर में एक मिल्लत, एक कायम, एक जज्बा के तहत ये तय किया गया है कि एक दिन के पहले आप निकालिए, एक दिन बाद हम निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज जो शिया बंधु का जो यहाँ से आलम निकलेगा ईसा सानंदपुर छोटी इमामबाड़े से, जो मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए संपार्क होते हुए सजंगी जाएगा, उसमें साथ साथ हम लोग जिला शांति समिति के सदस्य और सारे लोग हम लोग एक साथ रहते हैं ताकि जितने भी हमारे सिया भाई जुलूस लेके जा रहे हैं उसमें वातावरण सही रहे, माहौल सही। मंडल तक और DM साहब के यहाँ बराबर बैठक हुई और बैठक में यही संदेश सारे लोग मिल के दिए कि भागलपुर जो है एक शांति का शहर है और हमेशा हम लोग शांति चाहते हैं। मिलजुल करके हर त्यौहार को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के हर त्यौहार को संपन्न करते हैं। इस पे प्रशासन का भी बहुत अहम रोल रहता है, हर जगह हम लोग को सहयोग करते हैं, प्रशासन को भी जिला शांति समिति के लोग सहयोग करते हैं। आज चहलुम के त्यौहार पर पूरी दुनिया में ये मिलजुल करके
इसका संदेश जाता और सब ऐसा कहीं किसी मुल्क में नहीं होता। शिया समुदाय का अलग रहता है, सुन्नी का अलग, झगड़ा लड़ाई होते हैं, मगर भागलपुर में एक ऐतिहासिक मिलजुल के बड़ी मुहर्रम से लेके चहलुम से लेके दुर्गा पूजा काली पूजा में एक बहुत यहाँ से पूरा देश को संदेश जाता अमन शांति का, यही हम लोगों का। नौगछिया के भवानीपुर गांव में छठ पर्व को लेकर घाट तैयार करने गए किशोर की पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान भवानीपुर गांव निवासी उमेश यादव के 15 वर्षीय पुत्र दर्शन कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि शनिवार की शाम दर्शन अपने दोस्तों के साथ छठ घाट तैयार करने पोखर गया था। घाट निर्माण के बाद मृतक दर्शन पोखर में स्नान करने लगा, इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। दर्शन को डूबता देख दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे तालाब से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगरा पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक दर्शन गांव के ही स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर और बेलहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, सोमवार को मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मामूली विवाद में मेडिकल छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग। सोशल मीडिया पर छेड़खानी का वीडियो वायरल करने वाला 4 आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, बांका एसपी ने दी जानकारी। चहलुम को लेकर सिया समुदाय के लोगों ने निकाला मातमी जुलूस, या हुसैन के नारों से गूंजता रहा साजंगी करवला मैदान। और अस्थाई घाटों में होगा मां काली प्रतिमा का विसर्जन, युद्ध स्तर पर चल रहा है तालाब का निर्माण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।